मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र शुरू। सत्र के पहले दिन पुलवामा में आतंकी हमलों में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सदन की कार्यवाही 20 फरवरी तक के लिए स्थगित। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। कश्मीर के पुलवामा जिले में पिंगलीना इलाके में आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ में एक मेजर सहित 4 जवान शहीद। इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। भारत पाक सीमा पर आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार में शामिल हुए हजारों लोग। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के 5 अलगाववादियों को दी गई सुरक्षा सहित अन्य तमाम सुविधाएं ली वापस। उमर फारूक, शब्बीर शाह, बिलाल गनी, लोन हाशमी कुरैशी और अब्दुल गनी भट्ट की अन्य सुविधाएं भी लेगी वापस। छिंदवाड़ा में भारतीय वायुसेना की भर्ती रैली का किया जा रहा आयोजन। 17 फरवरी से शुरू हुई भर्ती रैली के पहले चरण में 13 जिलों के युवाओं को किया गया शामिल। 20 से 22 फरवरी तक दूसरे चरण में अशोकनगर, बुरहानपुर समेत अन्य जिलों के अभ्यर्थी हो सकेंगे शामिल। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पुलवामा में शहीद जवानों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कहा, सेना उचित समय पर मजबूती के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को देगी उत्तर। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में लघु उद्योग भारती के रजत वर्ष कार्यक्रम में किया शुभारंभ। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने इन्हें बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़। खंडवा में स्वस्थ और स्वच्छ खंडवा का संदेश देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन। रैली में सैकड़ों लोग हुए शामिल। दौड़ से पहले पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ने बिजली उत्पादन में प्रदेश में तीसरा स्थान किया हासिल। दोनों फेज की 4 यूनिट से कुल 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू। कोयले से बिजली उत्पादन में 4630 मेगावाट के साथ विंध्याचल पहले और सीधी दूसरे नंबर पर बरकरार। गुजरात के नाडियाड में 64वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के इकरम अली खान ने जीता स्वर्ण पदक। अंडर 19 बालक वर्ग की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में अर्जित किया स्वर्ण। संचालक खेल और युवा कल्याण ने इकराम को दी बधाई। हरियाणा के हिसार में खेली जा रही हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराकर रजत पदक पर किया कब्जा। हॉकी खिलाड़ी पूजा रानी और नरेंद्र कौर ने दागे गोल। सीहोर के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का लिया जायजा। किसानों को उचित मुआवजा का दिया भरोसा। जनपद पंचायत आष्टा में कल्याणी योजनाओं की हितग्राही महिलाओं की सुनी समस्याएं। सरकारी अस्पताल में प्राइवेट चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर किया जा रहा विचार। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने दी जानकारी। कहा, शासकीय सेवानिवृत्त चिकित्सकों की सेवाएं लेने पर भी किया जा रहा है विचार। भोपाल में रेडियो कल आज और कल विषय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शामिल हुए विशिष्ट अतिथियों ने रेडियो की प्रासंगिकता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। और हवा का रुख बदलने से प्रदेश में ठंड ने फिर दी दस्तक। राजधानी भोपाल में तापमान 10 डिग्री से नीचे किया गया दर्ज। 20 फरवरी के बाद मिलेगी ठंड से राहत।